निकल लो यहाँ से, दुनिया के बालक ड्यूटी जान लग गए और तुम सारे दिन घर में पड़े रहो, चलो यहाँ से। अरे पापा जी अभी उम्र ही कहा हुई हमारी, यू 26 साल को, मैं 25 साल को, अभी इतने बालक की उम्र में हम जॉब करेंगे? 26 साल के बालक बता रहे हो, जिम में 12 साल का था, खेत में जान लगा था और तुम बाप को सिखा रहे। पापा जब तुम 15 साल के ना, जब तुम्हारा ब्याह होगा ना, हम 25 साल के, हमारा ब्याह करवा दो, ड्यूटी तो हम कैसे चले जाएंगे फिर? जैसे थारे हालात है ना, या मैं तुम्हें कोई कुतिया भी ना दे, लोंडे तो दूर की बात, और सुन लो मेरी बात, जब तक तुम 2 रुपए ना कमा के लाओ ना, घर में ना घुस जाइयो, मुझे शिकल ना दिखा दो अपनी। 2 रुपए की बात ही? पापा जी यार तुम भी 2 रुपए पीछे ड्रामे कर रहे हो, लो 2 रुपया, अब 1 साल तक फालतू मत बोल जियो कतई भी। ओ 2 रुपए दे के तो तुमने एहसान कर दिया, भाई निकल लो यहां से, इतनी थारी दही से तोड़ दूंगा मैं। नाला को तो फोड़ दिया ऐसे, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। चल मार भाई। यार ऐसा भी कोई बाप होए करे, अपने तन्नक तन्नक से बालकन को लात मार के बाहर निकाल दिया। मैंने कच्चा पहनना को मो पैंट पहनने को भी टाइम ना दिया यार। भाई ना तो हमारा ब्याह करवाया और हमसे नूहर कह दी कि तुम दोनों जाकर ड्यूटी कर लो और 2 पैसा कमा के लाओ। सबके पापा अपने बालकन ने छोटी छोटी फॉर्चुनर ला के दे, हमारे ने तो जन्म लेते लात मार दी यार। हम ना हमें फॉर्चुनर दी, ना एक स्कूटी भी दी, सीधे नु कह दी कि जाओ और 2 पैसा कमा के लाओ। भाई आज जब बाप की बात ना मेरी छाती पे लगी है, कोई ना कोई बिजनेस करके ही रहूंगा। तू मस्तानी दोर फोन कर, बाकी दोर चल रहे हैं, रुक जाएगी मैं। हेलो मस्तानी, अपने घर के बाहर मिल यार, हमारी जो ना ऐसी तैसी होगी यार। यार बताइए कि होए का गो है, बताओ यार जल्दी। अरे यार हमारे बाप ने घर से बाहर निकाल दिया। काय भैया ऐसो का कर दो, कल लड़की वड़की छेड़ दी तुम लोगों ने। अरे यार लड़की की छेड़ेंगे हम, हमारी तो पहले सेटिंग हैगी, बस बात यू हुई है हमारे चाचा की लौंडा की जो है ना नौकरी लग गई और हमारे पापा को यह बात सुछेड़न होगी। ये हमारे नू कह रहे हैं जब तक 2 रुपए कमा के लाओगे घर में मत घुस जियो। अब तेरे दिमाग में कुछ बढ़िया सा आइडिया आ रहा हो पैसा कमाने का तो बता दे यार। भैया जामा तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकत, काय के हम खुद बेरोजगार बैठे हैं। अरे यार तुम दोनों भट्टे गवार हो, मोहे करना पड़ा कुछ। अच्छा सुनो, मेरे दिमाग में बहुत तगड़ा आइडिया, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम बहुत तगड़ा बिजनेस कर सके। देख लो मस्तानी देख लो, जो 5वीं क्लास में 5 ईयर फेल होगा ना, वे बिजनेस की बात कर रहे हैं बैठ के। कुछ पता है ना वैसी है करते रहो, जब मैं कल को करोड़पति बन जाऊंगा ना और ड्यूटी मांगने आए कोई सा, साले में लात मारूंगा ऐसे। भाई यार हमें बता दे अपना बिजनेस प्लान, हम भी तेरे बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। मैं जलेबी की दुकान खोलने की सोच रहा हूँ। कहे भैया अब हम जलेबी बेचे हैं, इतने बुरे दिन आए अभी हमारे। ना ना जलेबी कहे को, तुम तो गाँव के प्रधान बनोगे, मैं बता रहा हूँ कुछ काम मिल लेने देख लो, नहीं सौंझ को बाप घर में न बड़न देगा। चलो भैया तुम कह रहे हो तो कर लिए, अब बताओ काम कहाँ है। भाई मैं नू कह रहा हूँ जलेबी की दुकान खोल ले रहे हैं, मैं तो मैं ले आया करूंगा, मैं चीनी ले आऊंगा। तो भैया नमक मिर्च हम लेते हैं। तेरे हराम है नमक मिर्च ना गिरते, आंसू पहले जलेबी ना खाई का। अरे भैया गलती निकल गई, जो तुम कहे वो करें अब हम। ठीक है तो दुकान तो अब खुल के ही रहेगी, बस नितिन भाई दिक्कत एक चीज की आ रही है, प्रशांत हमारा दोस्त है। हाँ भाई हम दुकान खोलेंगे, हमारी दुकान पे आएगा। हाँ भाई हम जलेबी बनाएंगे, वो जलेबी खाएगा। हाँ भाई तो यही बात की तो दिक्कत है यार। तो यहाँ में कहा दिक्कत है भाई, भाई जलेबी झूठी हो जाएंगी। अजय ऐसा कैसे कर देगा झूठी, तू मेरी गल चल मैं देखूं प्रशांत है। चल मार प्रशांत देख लेंगे, चल ऐसा कैसे झूठी कर देगा हमारी जलेबी। प्रशांत ओ प्रशांत ओ प्रशांत। हाँ भाई का हुआ? भारत को आ रहा हूँ। आजा यहाँ को आजा, नू बता तैने हमारी जलेबी झूठी कैसे करी। अरे हमसे बिना पूछे तैने जलेबी के हाथ कैसे लगाया। अरे तू तो बता तूने जलेबी झूठी कैसे करी। मार मार भाई मैंने ऐसा तो कहा करा जो तुम इतना मारे जा रहे हो तब तू। तैने हमारी जलेबी झूठी कैसे करी। अरे हमसे बिना पूछे तैने जलेबी के हाथ कैसे लगा दिया। अगर अब कितना मेरी जलेबी छोड़ लाई तो तुम्हारा खोपड़ा तोड़ दे मैं। भाई मैंने कौन सी जलेबी खा ली तुम्हारी। अरे वे जलेबी जिन्हें मैं कल सुबह बनाऊंगा और जिन्हें तू झूठी करने की सोच रहा बेटा, ऐसा नहीं करन दूंगा झूठी। हमारी दुकान की ओर को बटके मत जाइयो, ना तो तेरी थूत की जलेबी बना दूंगा मैं। चले जाओ ना तो फिट जाओ भैया, बिना जलेबी के इतना पेट का जलेबी खाई होती तो ठीक भी है। भाई जलेबी के काम में एक दिक्कत लग रही है मुझे। कैसी दिक्कत? अरे यार जलेबी तो काम करेंगे ना तो चेटा आएंगे और ऊपर से मक्खी आएगी, अब या तो जलेबी बेच लो या चेटा न रोक लो। बात तो भैया तुम्हारी बहुत सही है,
लेकिन यहाँ के अलावा दूसरों बिजनेस का करें। भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया और है, हम परचूने की दुकान खोल ले रहे हैं। भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहा तू, और गांव में वैसे भी परचूने की तीन ही दुकान है, चौथी दुकान और सबसे बड़ी दुकान हम अपनी खोल ले रहे हैं। और भाई इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे, पूरे हाईवे पे फैला देंगे कि गांव में नई दुकान खोली है। हाँ भैया तुम सही कह रहे हो, अपनी दुकान कतई टॉप की चले है। भाई जब हम अपनी दुकान से करोड़ दो करोड़ रुपए कमा लेंगे ना, फिर बहुत टॉप का शोरूम खोलेंगे। शोरूम भैया एक बात और सुन लो, अपनी दुकान में पेप्सी जरूर रखे हैं। पेप्सी? अरे यार यू तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। कहाँ दिक्कत होगी भाई, बकरा हमारा दोस्त है। हाँ भाई हम दुकान खोलेंगे, वो हमारी दुकान पे आएगा। हाँ भाई हमारी फ्रिज में ठंडी पेप्सी रखी होगी। हाँ भाई बकरा बिना पैसा दिए पेप्सी छुस करके पी जाएगा। अजी ऐसा कैसे पी लेगा पेप्सी हमसे बिना पूछे? आ तू मेरी गई, चल मैं देखूं बकरा अभी। आ आज यार बकरा ही देख ले रहे हैं, बकरा का बकरी बना दूंगा आज मार मार के। चल मार, अरे यूं ही ना बकरा घर, यूं ही निकल बाहर। आइए देख लेंगे आज बकरा। बकरा ओ बकरा बाहर निकल। क्या हो भैया? तेरा बाहर है कुआ, चल। यूं बता तू पियागा हमारी पेप्सी? तेने बिना पूछे पेप्सी का ढक्कन कैसे खोला और बिना पैसा दे पेप्सी पिया है, तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं को अरे भैया कौन सी पेप्सी यूं तो बता दो। अरे देख रहे हो तुम यार, पेप्सी पी के नु कह रहा कौन सी पेप्सी, मारेंगे को। चल पेप्सी निकाल के छुस करके पीगा। भाई मैंने कब पी तुम्हारी पेप्सी? अरे तुमने दुकान के खोल ली? अभी खोलना है दुकान, कल को खोलेंगे। पर तुझे आज ये हमारे बता रहे हैं, कभी तू दुकान पे आते ही पेप्सी की बोतल खोल ले। अगर पैसा हो जेब में तभी दुकान का। यो चल ठीक है। वैसे भाई परचूने की दुकान खोलने में दो घाटे हैं, एक तो राशन फ्री में बटेगा और दूसरा चूहे हमारे आटा के कट्टान न फाड़ देंगे। तो भाई फिर क्या कर सके हम यहाँ में? मेरे दिमाग में एक आइडिया और है। बता भाई। हम कॉस्मेटिक की दुकान जो खोल ले में। भाई कॉस्मेटिक की दुकान में दो फायदे, एक तो लॉन्ड्री आया करेगी, दूसरा पैसा गेल मनोरंजन भी होता रहेगा। ओ भाई सही कह रहा हूँ, अपने यहाँ बिजनेस बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाएंगे, या सब बहुत प्रॉफिट कमा लेंगे। जब कॉस्मेटिक की दुकान खुल जाएगी ना, तो मैं तो चूड़ी के काउंटर पे बैठे करूंगा, लॉन्ड्री का हाथ ही पकड़ लूंगा, फिर उन्हें चूड़ी भी पहरा दूंगा। ठीक है कोई दिक्कत ना, तू चूड़ी देख लीजो और मस्तानी तू बिंदी के पत्ता न दिखाएगा और मैं लिपस्टिक देख दे करूंगा, कोई दिक्कत तो ना किसी है? ना भाई कोई दिक्कत ना, कोई ना बता दो कोई दिक्कत हो तो। ना भाई हमें कोई दिक्कत ना, वैसे दुकान में एक एसी जरूर लगवाएंगे, वासु पूरे गांव की पब्लिक आ जा करेगी हमारे कॉस्मेटिक में। भाई तेरी एसी का ऑर्डर मैं मुंबई दे दूंगा, बचे पर्दा और शीशा उन्हें मैं कलकत्ता से मंगा लूंगा, और बाकी दुकान की सजावट का सामान पूरा मंगा दूंगा अमेरिका से। और भैया लिपस्टिक को बिंदी को ठेका हमें दे दीजिए, कान पड़ते ले आओ करे हैं और जय बाना अपने घर है घूम आओ करे हैं। सही कह रहा हूँ भाई, बिल्कुल सही कह रहा हूँ तू। अब तो कॉस्मेटिक की दुकान पक्की है, बस एक ही चीज की दिक्कत आ रही है। अरे भैया अब क्या दिक्कत हो गई? तो मैं बताओ बिजली मेरी सेटिंग है। हाँ भाई अब जब मैं दुकान खोलूंगा तो बिजली मेरी दुकान पे आएगी। हाँ भाई तो जहाँ हम दुकान खोलेंगे वहाँ के बराबर में एक नाई की दुकान है, पुआ के पापा का जानकार है। तो भाई हमें कहाँ दिक्कत है? यही बात की तो दिक्कत है, जब बिजली हमारी दुकान पे आएगी पुआ के पापा फोन करके कहेगा तुम्हारी लौंडिया कंगा शीशान के बहाने इन लौंडान से मिलने आई है। अजी ऐसा कैसे कह देगा तू? चल मेरी गैल मैं देखूंगा। चल आजा ना ये देख ले। चल मार। चल खड़ा हो। खड़ा हो चल। क्या हुआ भाई क्या हुआ? अरे तेरी हिम्मत कैसे होगी हमारी सेटिंग की शिकायत करने की? अरे हमारी शिकायत करेगा तू, इतना बड़ा होगा? भाई मैंने क्या कर दिया? देख ले नितिन, एक तो गलती कर रहा और ऊपर से सूदा बन के दिखा रहा। बेल ले। चल खड़ा हो चल, आज के बाद शिकायत मत कर दीजो। किसकी? हमारी सेटिंग की। किस्सू? वहाँ के पापा सू, जब वो हमारी दुकान पे आई। भाई कौन सी दुकान? अरे वही दुकान जिसे हम कल खोलेंगे। भाई कल दुकान खोलोगे तो आज क्यों मार रहे हो? जाके मारे मार रहे कि कल हम दुकान खोलें और तुम कोई गलती ना करो। अब भी अगर तेना गलती करी तो कल फिर बजेगा तुम्हें। चलो बैठ रहो। सुनो यार मेरी बात सुनो, हमारे कौम के चक्कर में आधा गांव पिट लियो, अब सब अपने दबाव के नीचे हैं, सब हमसे डर है, हमारा मार्केट में पूरा खौफ है। अब हम कोई भी धंधा खोलेंगे ना तो कोई ऐप बाजी नहीं करेगा, तो यह हमारे अब कॉस्मेटिक की दुकान की ओपनिंग फेंक से कतई। अब नू बता यह दुकान खोलने को पैसा कौन देगा हमें? पैसा? पैसा तो तुम्हारे पापा दिए। ओए हमारे पापा ना दे एक रुपया भी।
ए, ऐसे कैसे ना देगा तू मेरी गैला आज या बाप ही देख लू Don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Hello दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. कमेंट जरूर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में. बाय.